हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। अभी मैं खाना खा रही हूँ और ये मेरा आज का खाना तो ये है बाजरे की रोटी, सब्जी, छाछ, गुड़, अचार और चूल्हे पे बना हुआ खाना है। तो गर्मा गर्म खाने का आनंद लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलूँगी। दोस्तों खाना मैंने खा लिया है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। और अभी ये थोड़े से कपड़े हैं, इनको मैं सुखा रही हूँ। वैसे भी मैं जब से घर पे आई हूँ कुछ भी काम बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ये कपड़े बाहर सुखा दूँ। तो आप सभी जानते हैं मायके जाके सभी फुल आनंद लेते हैं, कोई काम नहीं कुछ नहीं, तो बस वही मेरा चल रहा है अभी। तो फटाफट से थोड़े से कपड़े हैं इनको डाल देती हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी। दोस्तों ये आम का पेड़ है, इस पर अभी 2-3 दिन से ही मोर आना शुरू हो गया है और अब थोड़े ही दिन में ये पेड़ बिल्कुल आम से भर जाएगा। ये दशहरी आम का पेड़ है, बहुत ही लंबी लंबी दशहरी आम लगती हैं, इस पर पूरा आम से भर जाता है गर्मियों में। तो अभी आप देख सकते हैं हर एक टहनी पर मोर आने लग गया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है देखकर। अभी 2-3 दिनों में ही एकदम से पूरा पेड़ भर गया है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे से होंगे। तो दोस्तों अभी दोपहर तक का सब काम हो गया है और जैसा कि आप सभी जानते हैं अभी मैं गांव में हूँ, तो आज अभी मैं खेत पर जाने वाली हूँ। हमारे आलू खुद रहे हैं तो खुदाई हो रही है आलू की, तो आप भी देखना किस तरह से आलू हमारे निकलते हैं। तो चलिए, काफ़ी दिन हो गए मुझे भी दूसरे खेत पर गए हुए। ये पास वाला तो इधर ही पास में है घर के, लेकिन जो दूर वाला खेत है वहाँ पे मैं नहीं गई हूँ, काफ़ी दिन हो गए, पहले गई थी। तो चलिए चलते हैं, और अच्छा लगेगा, देखते हैं खेतों में क्या क्या इस टाइम लगाया हुआ है सबने। चलिए तो दोस्तों हम निकल चुके हैं खेत की तरफ और मम्मी साथ हैं। मम्मी बोल रही थी दोनों जगह के खेत देखेंगे, तो दोनों जगह के खेत देखेंगे तो काफ़ी लंबा पड़ेगा। पहले एक साइड जाएंगे, उसके बाद वहीं से घूमते हुए दूसरी तरफ, तो बहुत ही लंबा राउंड हो जाएगा। तो आज देखते हैं बच्चे कितने थकते हैं आज वहाँ तक चलते चलते, अच्छी एक्सरसाइज हो जाएगी आज तो। दोस्तों हम तो पैदल पैदल जा ही रहे थे और मीरा थोड़ी थकान भी मान रही थी। रास्ते में एक बुग्गी मिल गई जो हमारे पड़ोस में से ही किसी की थी, तो मम्मी बोली चलो इसमें बैठ जाते हैं, तो खेत तक हम इसी में जाएंगे। एक तरफ का काम तो हो गया, बहुत अच्छा लगा इतने दिनों बाद। मुझे लग रहा है मैं कभी छोटी थी तभी बुग्गी में बैठी हूँ एक आध बार, और बच्चे तो मुझे लग रहा है पहली बार ही बैठे हैं बुग्गी में आज, तो वो तो बहुत ही खुश थे, उनको बहुत अच्छा लगा बुग्गी में बैठ कर। और बहुत ही फटाफट से हम खेत पर पहुँच गए, बहुत ही बढ़िया सवारी रही हमारी। जी दोस्तों, बुग्गी की वजह से हम बहुत ही जल्दी खेत पर पहुंच गए हैं और यहाँ पर हमारे गेहूं लगे हुए हैं और बहुत सारे गेहूं पर तो अब बाल आने लग गए हैं जो पहले लगे हुए हैं जल्दी।
तो अभी हम आगे की तरफ चलते हैं। दोस्तों वो सामने जो ट्यूबवेल है हमारा और ये सारे खेत जिनमें गेहूं लगे हुए हैं। तो दोस्तों देखिए सामने ये हमारा ही खेत है, तो ये थोड़ा ऊंचा था तो इसलिए यहाँ से मिट्टी उठवाई जा रही है। तो मिट्टी जो उठी है वो भट्टे वाले ने खरीदी है, यानी कि जहाँ पर ईंट बनती है, तो पास में ये भट्टा है ईंट वाला, तो यहीं पर उस मिट्टी से ईंट बन रही है हमारे खेत में और फिर यहाँ से इस भट्टे पर चली जाती हैं पक्की होने के लिए। तो आज कैसे ईंट बनती है ये भी देखेंगे हम। बच्चों के लिए तो ये बिल्कुल नई बात है, बहुत ही खुश हो रहे हैं दोनों देखकर। तो चलिए आगे चलते हैं थोड़ा, फिर देखते हैं। देखिए दोस्तों कैसे मिट्टी को पहले गीला किया जाता है और गीला करने के बाद फिर इसको जगह जगह रखकर सांचों से ईंट बनाई जाती है, और फिर जब ये सूख जाती है तो इसको इकट्ठा करके ये भट्टे पर लेकर जाते हैं, तो फिर भट्टे पर जाकर ये पक्की ईंट बन जाती है। तो बहुत ही मेहनत से बनाई जाती है ईंट, तो बारिश वगैरह हो जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो ये आगे चल के देखते हैं, देखिए इकट्ठे कर रहे हैं जो सूख गई हैं ईंटें उनको। तो दोस्तों ये जेसीबी है जो मिट्टी को बिल्कुल मिक्स कर रही है, क्योंकि बहुत सारी मिट्टी एक साथ ये तैयार करते हैं ईंट बनाने के लिए, तो हाथ से इतना तैयार नहीं कर सकते। तो इसको जो पानी और मिट्टी को मिक्स जेसीबी करके पूरी जो गारा है वो बनाती है। देखिए इधर पानी भरा हुआ है, उसके बाद ये मिक्स करके इसको ढंग से मिट्टी को बना देंगे। और देखिए कितनी सारी ईंट इधर बना रखी हैं इन्होंने, और वो सामने बना रहे हैं बैठ के। तो कितनी मेहनत का काम है एक एक ईंट बनाना, फिर वो सूखती है, सूखने के बाद फिर उसको भट्टे में डालते हैं जब वो पक्की ईंट बनती है। तो मैंने भी इतने पास से पहली बार ही देखा है, और बच्चे तो बहुत ही खुश हो रहे थे, बिल्कुल नई चीज़ है ये उनके लिए, तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा लगा है देख कर। दोस्तों देखिए ये घोड़ा गाड़ी है, ये घोड़ा गाड़ी वाले जो है इसको भर के ईंट जो सूख जाती हैं उनको लेकर जाते हैं भट्टे तक। तो अभी अपने आप ही इसको ईंटों को भरेगा जो सूख गई हैं, और उसको फिर भट्टे पर लेकर जाएगा पकने के लिए। तो अब हम चल दिए हैं दूसरे खेत की तरफ। तो रास्ते में एक नल पड़ा, प्यास लग रही थी, तो बच्चों को भी बड़ा शौक लगा नल चलाने का, तो पानी पिया यहाँ पर।
और काफ़ी चल रही है आज तो। अभी दूसरे खेत जाने में भी टाइम लगेगा। तो यहाँ पर एक मंदिर भी था। उसके बाद यहाँ से हमने पानी पीकर फिर हम आगे की तरफ गए। दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं आलू वाले खेत पर। आलू अभी थोड़े ही खुदे हैं, बाकी कल खुदेंगे। तो यहाँ पर ये आलू के ही खेत हैं और काफ़ी अच्छे आलू निकल रहे हैं। तो आगे ये सामने जो आपको दिख रहा है वो हमारा ट्यूबवेल है इस खेत का। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिन बाद मैं दोनों खेतों पर घूमी हूँ आज। और बहुत आज हम चल भी बहुत लिए, बहुत पूरा लंबा राउंड लगाया है आज हमने। तो ये आज ये ट्रैक्टर से शायद निकल रहे हैं, तो अभी कुछ कुछ किसी वजह से ट्रैक्टर चला गया है, तो बाकी के कल खुदेंगे। तो कई दिनों में ये खुद खुदा के जब ये बिकने के लिए जाएंगे। तो ये थे हमारे दोनों तरफ के खेत। और इधर इस साइड में गेहूँ लगे हुए हैं। गेहूँ पर तो बाल आने लग गई हैं, जो जल्दी बो दिए थे उनमें तो सब में बाल आ रही हैं, और जो लेट बोए जाते हैं उनमें अभी वो छोटे छोटे हैं। अभी चलते हैं घर। और आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू वेरी मच।